साबित कर दूंगा अभी आपकी ही किताब से कि आपके रसूल अल्लाह मोहम्मद ने जी भी ऐसा ही किया है, डेड वुमन के साथ सेक्स किया है, तो आप इस्लाम छोड़ देंगे? बोले, क्या पहले आप दिखाएं, दिखाएं अपना? दिखाएं आप पहले। पहले आप मुझे कहें कि अगर आपने दिखा दिया और साबित कर दिया तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, तब आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि आपने जलेबी बहुत बना ली। तो आप ये इस्लामिक रिसोर्स से दिखाओगे कि अपनी तरफ से दिखाओगे, पहले ये क्लियर करो। आपके लिए हुज्जत इस्लामिक रिसोर्स है या फिर कोई और की चीजें हैं? सिर्फ इस्लामिक रिसोर्स और ऑथेंटिक हदीस और कुरान। अच्छा तो फिर मैं आपको इस्लामिक रिसोर्स और ऑथेंटिक हदीस ही दिखाऊंगा। इस्लाम छोड़ोगे? अगर वो सच नहीं निकला तुम इस्लाम कबूल कर लोगे आप वापस? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, लेकिन आपको उसको झूठ साबित करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर वो सच निकला, इस्लाम छोड़ दोगे? 630 लोग देख रहे हैं आपको, अपनी बात से भागना नहीं। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, छोड़ दोगे इस्लाम अगर मैंने साबित किया देखो देखो सही भाई, ऑथेंटिक पहले हदीस में? साबित तो करो, पहले साबित तो अरे करो, अभी पहले चैलेंज, अरे साबित अभी इतना करो कूद के चले दिया तुमने मुझको, और जितनी तेजी के साथ मैंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, उतनी तेजी के साथ अब तुम एक्सेप्ट करो। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल करूंगा अगर तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया उस हदीस में, और तुम इस्लाम छोड़ोगे अगर मैंने सच्चा साबित कर दिया उस हदीस को। बताओ, मेरी बात सुनो करते हो भाई, मेरे साथ चैलेंज? पहले नो 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 नो, कोई आप और बात साबित कर नहीं, कोई पाओगे और बात कि नहीं। आप, जलेबी बना ली आप तुमने बताएं, यहाँ पे भैया, स्ट्रॉमैन दे तुमने दो कि मैं ये यहां बात पर, करूंगा नहीं, हमने सुना, मैं ये मेरी बात बात मेरी करूंगा बात नहीं कि सुनो इस्लाम छोड़ूंगा और भाई, आपको मेरी, दिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ एक मिनट रुको, सबर करो जरा, थोड़ा सबर लो। आप यहां पर अपने तालिबान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है और वो इस्लामिक शरा को फॉलो करते हैं। आप यहाँ पर अपने तालिबानियों को ये कहकर के सेव करने की कोशिश कर रहे थे, क्या किसी का नाम आया, कोई और किसी को कर गया होगा उसके नाम से? आप बात रख दी मैंने आपके इस्लाम के अब्बू के ऊपर, जिनसे आपका पूरा इस्लाम आया है। मैं बोलूं आपके कुछ? अब्बू को साबित करूंगा कि आपके अब्बू ने ऐसा किया है, इस्लाम छोड़ दोगे? ये फंस गया सी है। मैं बोलूं? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। अब सुनो भाई, इस्लाम तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप प्रूफ कर दो तो मैं मान सकता हूं कि हाँ भाई कुछ दम था आपके पॉइंट में। बस तो क्यों प्रूफ करना है तुमको जब तुम इस्लाम छोड़ोगे नहीं? मुझे फायदा क्या है तुम्हारे साथ मत्था बच्ची करके? क्यों क्योंकि जो मेरे अंदर पीछे से इन्वेस्ट लोग करूं देख मैं? रहे हैं हाँ, उनको तो पता चल जाएगा भाई कि सच्चे हो कि नहीं तुम। उनको सब पता है, उनको मैं, उनको 600 लोगों को मैं, तुम्हारे बाद जब कोई कॉलर आएगा ना ढंग का, वो कहेगा कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा 600 लोगों को, तुम्हें नहीं दिखा रहा अगर तुम मतलब नहीं जब छोड़ोगे। जब जब मैं कहूंगा इस्लाम छोड़ूंगा तभी दिखाओगे, प्रूफ तभी दिखाओगे, ऐसे डिबेट करते हो आप? ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है ऑन स्ट्रीम, और ये जो मेरे 670-80 लोग देख रहे हैं, ये मुझसे मुतालबा करेंगे उस हदीस का कि समीर भैया दिखाओ वो हदीस जहां मोहम्मद ने कहा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन तुमको तब दिखाऊंगा जब तुम ऑथेंटिक ये कहोगे कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। यार, ये देखो भाई, स्ट्रॉमैन मत करो भाई, ठीक है? आपको यहाँ पे एक क्लेम आपने दिया, मैं कह रहा हूँ उसको प्रूफ करो। आप तुमने इस्लाम छोड़ने ना तुमने छोड़ने भाई या इस्लाम बहुत एक्सेप्ट करने क्यों आ बहुत रहे हो भाई? ये कोई भाई सेंस बनता है तुमने डिबेट? आप बहुत ऐसे करते हैं लोगों से तुमने क्यों कहा अगर ना साबित कर पाए तो इस्लाम कबूल करोगे? क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले आपने कहा कि तुम छोड़ोगे, इसलिए मैंने कहा कि देखें आप करते हो कि नहीं ठीक है मैंने देखा। तुम्हारा, अरे तो ठीक है मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट किया, तुम भी मेरा एक्सेप्ट कर लो, इस्लाम छोड़ोगे तुम अगर मैंने दिखा दिया? चलो करो एक्सेप्ट। यार, मैं वो वाला चैलेंज वापस लेता, तुम भी मत करना इस्लाम एक्सेप्ट। मैं नहीं छोड़ रहा इस्लाम, ना तुम एक्सेप्ट करना। अब दिखा सकते हो भाई? अच्छा नहीं, नहीं दिखाऊंगा, इस्लाम छोड़ोगे तो मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं क्यों करूं फालतू में मेहनत तुम्हारे से वाहियात आदमी के ऊपर, एनर्जी वेस्ट करूं जिसको समझना ही नहीं है, जिसको सच्चाई देखने के मैं बाद भी, समझ रहा साबित हूँ, होने मेरी के बात बाद सुनो भी। भाई, सुने आप मेरी ना बात, मेरी पहले बात से ही। सुने, एक मिनट शांति से मेरी बात सुनो। पहले मैं यहां स्ट्रीम चलाता हूं अपने मोमिन भाइयों को सच दिखाने के लिए और समझाने के लिए और साबित करने के लिए। जब वो सच, और उन लोगों को दिखाता हूं जो लोग सच को देख करके सच को मानने का जिगरा रखते हो, उसको तस्लीम करने की, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर सच को देखकर और जानकर उसको एक्सेप्ट करने का जिगरा ही नहीं है, दम ही नहीं है, और तुमने ये तय करके बैठे हुए हो कि चाहे मेरे सामने खुद मोहम्मद रसूल अल्लाह भी आकर कह दे कि भैया मैंने ऐसा काम किया था, मैं तब भी नहीं मानूंगा, तो मैं तुम जैसे लोगों को के लिए स्ट्रीम नहीं चलाता, ना तुम जैसे लोगों से मुझे को परवाह है, क्योंकि तुम ही वो लोग हो जिनको मैं अंध नमाजी कहता हूं, और तुम ही वो लोग हो जो इस गंदगी से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम कुएं के मेंढक हो, तुम्हें कुएं के अंदर ही पूरी दुनिया नजर आ रही है। तो लिहाजा तुम्हें एक ही शर्त पे रेफरेंस मिलेगा, अगर तुम अपने रसूल अल्लाह की कसम खाकर, अल्लाह की कसम खाकर के कहो कि अगर ये सबीर भाई आपने सही ऑथेंटिक हदीस दिखाई मुझे और साबित कर दिया मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, तो मैं दिखाऊंगा। बोलो अगर अगर कुरान से और ऑथेंटिक हदीस से ये साबित होता है, ठीक है, तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ। अब आप दिखाएं। मान सकता हूं, नहीं ये कहो कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, बात मानने को ना मान मेरे को फर्क नहीं और पड़ता। क्या, एक मिनट, किस चीज की क्या दिखाएंगे आप? ये भी पहले क्लियर कर दीजिए, क्या दिखाएंगे आप, हदीस, ऑथेंटिक हदीस किस दिखाऊंगा बारे मैं में, तुमको किस बारे में, ये भी बता दें किस बारे कि में। तुम्हारे रसूल अल्लाह ने डेड बॉडी के साथ कब्र में उतर करके सेक्स किया, और अच्छा चलिए, दिखा दिए, मैं बताओ इस्लाम छोड़ दूंगा, दिखाइए। पक्की बात है? ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है, मैं रिसर्च भी करूंगा इस पर आगे, आप दिखाइए। ऑथेंटिक ऑथेंटिक है, रिसर्च कब करोगे इस्लाम छोड़ने के बाद कि पहले रिसर्च करोगे फिर इस्लाम छोड़ोगे, ये भी अच्छा बता ठीक है, दो। नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, आप दिखाएं, चलिए दिखाएं तो पहले। क्या नहीं करोगे? क्या नहीं, क्या नहीं करो, रिसर्च मैं कंफर्म कर रिसर्च लूं, थोड़ा सा मेरा रिसर्च भाग दे रिस, बहुत हो। अरे भाई रिसर्च बोल रहा मैं ये हूँ नहीं यार कह रहा, मैं, नहीं ये नहीं बात मैं है। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, रिसर्च मत करो, तो मैं ये फिर नहीं कह क्या रहा, कह रिसर्च रहे मत हो? करो। मैं आपको उसकी सनद दिखाऊंगा, तकरीर दिखाऊंगा कि वो सही है, ऑथेंटिक है, चैन ऑफ नरेशन सही है, बतन सही है, उसके बाद
आप जो है यहाँ ऑन स्ट्रीम इस्लाम छोड़ोगे, फिर जाकर के अपनी रिसर्च करोगे। अगर रिसर्च में आपने ये पाया कि जो मुझे हदीस दिखाई गई थी वो झूठी थी, गलत थी, तो आप वापस इस्लाम कबूल कर लेना। और अगर दिखाया नहीं मिली आपको, तो फिर इस्लाम छोड़े हुए रहना। बात सुनो, अगर अगर सही नहीं निकला, उसमें कुछ गड़बड़ी निकली, तुम इस्लाम में वापस आ जाओगे, ये बताओ पहले। मेरे पास हवाला लेके आ जाना, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, बात खत्म हो गई। मंजूर है? बोलो, मंजूर है? हाँ भाई, क्या हुआ? हेलो, मंजूर है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मंजूर है आपको? आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अगर हदीस फैब्रिकेटेड या ज़ईफ निकली तो तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे वापस। मैंने बोला अगर तुमने आकर के ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ में ये साबित कर दिया कि वो हदीस वो फैब्रिकेटेड है या वो झूठी है, तो मैं इस्लाम ज़ईफ कबूल है, कर लूंगा। ज़ईफ होने पे भी कर लोगे भाई? ज़ईफ कब होगी वो? पहले अब ज़ईफ पे आ गए। वाह, ज़ईफ हदीस को नहीं मानते तुम लोग। मैं लगातार कह रहा हूँ कि उसकी सनद में अगर फैब्रिकेशन हुआ, मैं कह रहा हूँ ज़ईफ हदीस को नहीं मानते मुसलमान। ज़ईफ हदीस को नहीं मानते? मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन वो देखना ज़ईफ, पड़ता है कि सुनो उसकी सुनो, वो पेपर ज़ईफ, है या ये क्या भी बता दूं, प्रॉब्लम है। ये अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, वो ज़ईफ भी नहीं है, वो ऑथेंटिक हदीस है, एकदम सही। लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़ईफ हदीस को नहीं मानते तुम लोग। नहीं, ज़ईफ हदीस को माना जाता है, लेकिन उसकी फिर भी सनद ज़ईफ देखी जाती है, ज़ईफ क्या की दिक्कत तारीफ, है। ज़ईफ की तारीफ बताओ पहले 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 ज़ईफ की तारीफ बताओ, क्या होती है? अरे भाई, आप हदीस अरे दिखाओगे कि एक घंटा मुझे यही सब मिला अरे होगा, भाई, दूर दुनिया है। तुम्हारी जलेबियों का काउंटर पहले से ले लूं, ताकि तुम बाद में भाग बचने का तुम्हारे पास कोई मौका ना रहे। फिर मैं दिखाऊंगा जलेबी हदीस। नहीं बना रहा, देखो भाई, मैं बना सिंपल रहे कह रहा हूँ, हो, हदीस बना रहे को हो। दिखाओ, हदीस कभी कभी दिखाओ ज़ईफ मुझे। कह रहे हो, कभी कुछ। तुमने कहा मजरू होगी, फैब्रिकेटेड होगी। मैंने बोला ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। फिर तुमने शर्त डाल दी ज़ईफ की, ज़ईफ पे तो नहीं मैं कबूल करूंगा, ठीक है सर, क्योंकि क्या ज़ईफ ठीक को तो है आप मानते क्या? हो। हाँ, फैब्रिकेटेड पे मैं कबूल करूंगा। फैब्रिकेटेड अगर आपने साबित कर दी कि झूठी है, तो मैं कबूल करूंगा। डन है, आपको मंजूर है? ठीक है, फैब्रिकेटेड रहेगी या मुनकर रहेगी तो भी ठीक है। ठीक हाँ मंजूर है मुझे, तुम्हें मंजूर है? है, चलो दिखाओ भाई, हदीस तो दिखाओ पहले अब। इस्लाम छोड़ोगे ऑन स्ट्रीम, याद रखना, भागना नहीं अब, ठीक है? लो हदीस देने अरे लगा भाई, हूँ। मैं देखूं तो दिखाओ। ठीक, अरे ये लो मेरे प्यारे, अब तुमको हदीस दिखाते हैं हम। मैं तुमको टेक्स्ट दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, किताब खोल करके पढ़ लेना, किताब मेरे पास है, यहीं पे हूँ, मैं ठीक यहीं है? पे हूँ, ये आप लो, दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ये लो, हवाला लो आप, ठीक है? ये लो किताब, कंजिल उल उमाल, ठीक है? और हदीस नंबर है 34,424, कंजिल ओमाल, भाई इस किताब सामने का विजिबल नाम करो कि है। भाई। ला रहा हूं भाई, ला रहा हूं, ला रहा हूं, रुको, ला रहा हूं, ये लो आपको मैं टेक्स्ट दिखा रहा हूं, हवाला दे रहा हूं, किताब खोल करके आप पढ़ लेना। ये लो, यहां से देख लो, शुरू करो। सब्जेक्ट कंजिल ओमाल, उसके बाद डू यू थिंक एनी मुस्लिम कंट्री कैन पास लो, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद हैड सेक्स विद अ डेड वुमन, रेफरेंस 34,424, कंजल ओमाल, दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड कंजल ओमाल द ट्रेजर ऑफ द वर्कर्स इन द चैप्टर ऑफ द इश्यू ऑफ वुमन, यानी कि औरतों के मसाइल, ऑथर्ड बाय अली इब्ने हुसाम अल दीन, कॉमनली नोन एज अल मुताकी अल हिंदी, ही बेस्ड हिज बुक ऑन द हदीस एंड सेइंग लिस्टेड इन अल जामे अल सगीर, रिटन बाय जलालुद्दीन अल सयूती, आपके सबसे बड़े स्कॉलर, उनकी किताब से ये हदीस लाए हैं जलालुद्दीन सय्यूदी की, और वो सही ऑथेंटिक हदीस है। इसके रावी है नरेटेड इब्ने अब्बास रजिल्लाहु तआला अन्हु, आई यानी कि मोहम्मद, थोड़ा ऊपर चला गया, वापस लेके आता हूं। आई मोहम्मद पुट ऑन हर माय शर्ट दैट शी वाज वियर द क्लोथ ऑफ हेवन, एंड आई स्लेप्ट विद हर इन हर कॉफिन, यानी ग्रेव, दैट आई मे लिसन द प्रेशर ऑफ द ग्रेव, शी वाज द बेस्ट ऑफ अल्लाहस क्रिएटर टू मी आफ्टर अबू तालिब, द प्रॉफिट वाज रेफरिंग टू फातिमा द मदर ऑफ अली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की माँ फातिमा के साथ जब वो मर गई कब्र में उसके एक मिनट साथ एक इंटरकोर्स मिनट, ऊपर जाके किया। ऊपर लेके जाइए, तो मैं एक बार उसका रेफरेंस लेना है मुझे, एक बार ऊपर लेके जाइए। हाँ हाँ यहाँ ये लीजिए रुकिए। सर, ये लीजिए हाँ हदीस हाँ नंबर 34,424, कंजुल अल ओमाल। थोड़ा सा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे करिए, हल्का सा नीचे। हाँ, कंजल उमाल इस किताब का नाम है, हदीस नंबर ये 34,424, और ठीक, रिवायत है इब्ने अब्बास की, इब्ने अब्बास की रिवायत हाँ है। हाँ मैं देख लिया, मैं देख लिया, मैं देख लिया, अरेबिक समझ गया। स्कॉलर, आगे 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 इसकी तकरीर पढ़ ले। द अरेबिक स्कॉलर डेमेट्रिस एक्सप्लेन द अरेबिक वर्ड यूज हियर फॉर स्लैप्ट इज इद तजात एंड लिटरली मींस ले डाउन विद हर, इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू मीन ले डाउन टू हैव सेक्स, मोहम्मद इज अंडरस्टूड एज सेइंग दैट बिकॉज़ He slept with her, she has become like a wife to him, so she will be considered like a mother of the believers. This will supposedly prevent her from being
tormented in the grave. Since Muslim believe that as people wait for the judgment day, they will be tormented in the grave. Reduce the pressure. ये रिवायत जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये किसने कही है? यानी कही है जो अभी पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन पढ़ रहे हैं। ये मैं जो है ना अभी तकरीज पढ़ रहा हूँ हदीस की, जो जलालुद्दीन अल सय्यूती की किताब से आई है। जलालुद्दीन सय्यूती की तकरीज है, वो ये कह रहे हैं कि ये अमल इसलिए किया गया। हाँ, अब किताब किताब का मैंने हवाला आपको दिया, किताब खोल के पढ़ ले, मेरे पास किताब है, मैं आपको किताब दिखा देता हूँ, लेकिन उसको ढूंढने में ना इस हदीस को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि नंबर जो है ना उसके वो जो है ना इस हिसाब से नहीं है, मतलब वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 1 से लेकर 12 तक है इस किताब के, लेकिन हर किताब का जो नंबर है ना हदीस का वो 1 से शुरू होता है, इसलिए 34,424 काउंट करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हवाला। तो अब यहाँ पर नीचे ये बता रहे हैं, लेट मी कंप्लीट, करूंगा नीचे, पहले ऊपर जो पढ़ा है वो तो एक्सप्लेन कर दो, मेरे व्यूअर्स के लिए सब कुछ समझ आती है भाई, आप म्यूट कर लें, अभी तक श्योर है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हजरत अली की वालदा जिनका नाम फातिमा था वो मर गई, यानी कि हजरत अली की बीवी का नाम भी फातिमा था और माँ का नाम भी फातिमा ही था, तो जब वो मर गई तो मोहम्मद साहब ने अपनी शर्ट उतारी, उनकी कब्र में उतरे और ये कहा कि ये जो है ना अबू तालिब के बाद मेरे लिए अल्लाह की सबसे बेहतरीन खल्कियत थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने शर्ट उतारी, उसकी कब्र में उतरे और उसके साथ लेट गए, सो गए, और उसके बाद में उसके साथ मुआशरत की, और फिर वहां से बाहर निकले। तो उसकी तकरीर में ये बताया जा रहा है, स्कॉलर ये बता रहे हैं, दमित्रिस जिनके नाम दिया है अल सय्यूती, जलालुद्दीन सय्यूती की किताब से, कि रसूलुल्लाह ने ये अमल इसलिए किया क्योंकि अगर वो इसके साथ ऐसा अमल कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रसूलुल्लाह की बीवी बन जाएगी और मदर्स ऑफ बिलीवर बन जाएगी, यानी उम्मे हातुल मोमिनीन, और जो उम्मे हातुल मोमिनीन है उनसे कब्र के अंदर सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, जैसा कि ईमान वालों का अकीदा है कि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक जो है कब्र के अंदर तीन फरिश्ते आकर के पहले तीन सवाल करें, दो फरिश्ते आकर के तीन सवाल करेंगे और उसके बाद उनके सवालों के जवाब के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाएगा कब्र में, तो उसका कब्र का जो सफर है वो आसान हो, उसके ऊपर अजाब ना हो, इसलिए मोहम्मद साहब ने ये मामला उसके साथ किए। इस्लाम छोड़ दे मेरे भाई अभी इसी वक्त। इसका जो टेक्स्ट है ये मुझे इसमें चैट में भेज सकते हो? ओके, आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो मैं पर सुने उसके बाद, लेकिन मैं, आप अपना भाई, हेलो मेरी बात सुने पहले, आप अपना वादा जो है पूरा करें और पूरा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अब चले शुरू हो जाए, आप मुझे देखने तो दे, मैं यहीं पे हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं एक बार बुक खोल के देख के आ रहा हूं, मैं लीव नहीं कर रहा हूं, लीव नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा, मैं आपकी मेरी क्या बात हुई थी, हेलो आपकी मेरी क्या बात हुई थी कि आप रिसर्च करेंगे इसकी बाद में, और अगर ये फैब्रिकेटेड हदीस निकली तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मुझे ये सामने से ही फैब्रिकेटेड लग रही है, मैं क्या बोलूं, मुझे सामने से ही फैब्रिकेटेड लग रही है, प्रूफ भी कर दूंगा, रुक जाओ ना, मैं दूंगा आपको, हेलो हेलो, मैंने आपको सुन भाई, भाग नहीं रहा हूं, बताओ सुन भाई मेरी बात, मैंने आपको हवाला पेश किया है और हवाला जो है वो कोई छोटे मोटे चैट में भेजा, मुझे जलालुद्दीन प्राइवेट चैट में डाल दिया है, जलालुद्दीन सय्यूती से आ रहा है, आप अपना वादा पूरा करें, आप इस्लाम को अभी इसी वक्त छोड़ दे, कहे अल्लाह झूठा खुदा है और मोहम्मद झूठा रसूल है, उसके बाद आप रिसर्च करने चलेंगे। मैं आ रहा हूँ, बस यही हूँ, लीव नहीं कर रहा हूँ, दो मिनट दे मुझे, ठीक है, मैं ज्वाइन हूँ यहीं पे। आपको जहाँ भी जाना है, सुने, आपको जहाँ भी जाना है आप वहाँ जाए, स्ट्रीम लीव करना, लीव करें, रहना रहे, पहले जो मैंने मैंने बोला था कि मैं साबित नहीं कर पाया तो ना मैं छोड़ूंगा इस्लाम, मैंने रुक तो जाए, मुझे मौका तो दे दो, मैंने पहले कहा था कि अगर मैंने सही ऑथेंटिक हदीस दिखाई विद तकरीर, सही ऑथेंटिक हदीस कहाँ दिखा रहे हैं, उसने कही हदीस, मैंने कहा उसकी किताब से आई है, उसने ये हदीस रिवायत की है, ये हदीस उसने आगे पहुंचाई है आप बिलीवर्स के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, तो आप या तो ये कहेंगे जलालुद्दीन सय्यूती को नहीं मानता, उसकी किताब को नहीं मानता, या तो फिर आप अपना जो वादा है वो पूरा करें, उसके बाद रिसर्च करें, अगर ये हदीस ज़ईफ और फैब्रिकेटेड निकली मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मैं अभी भी उस वादे पर हूं, लेकिन पहले आप अपना वादा पूरा करें, मैंने आपको सही हदीस दिखाई है, मुझे तो भाई 2 मिनट चेक करने तो दो भाई, मैं कहां चेक आप बाद में करें, चेक करने से मना नहीं कर रहा हूं मैं, चेक आप करेंगे बाद में, पहले आप इस्लाम छोड़ेंगे, मैंने ऑथेंटिक हदीस दिखाई आपको, आप इस्लाम छोड़िए, मतलब कुछ भी टाइप करके वहां रख देंगे आप और हम इस्लाम छोड़ देंगे उसके लिए, मतलब कुछ सेंसिबल बात करिए, मैं एक बार रिस्पांस देख लूं, आपको किताब नहीं, आपको किताब चाहिए, ये ले आपको किताब, आप कुछ भी छोड़े, मैं आपको किताब देता हूं, ये रुक जाए, आपकी गेम सेट कर देता हूं मैं, अरे भाई मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ ना, बात खत्म करो, मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट चले तुम बचकाने वाली बात कर रहे हैं समीर यार, बचकाने वाली तो बिल्कुल, और क्या मैं कह रहा हूँ, रिफरेंस चेक करने दे, तो कह रहा किताब से दिखा दूंगा मैं, मतलब हद है, किताब में गोल्डन वर्ड से लिखा है, ये सच है, अरे मेरे प्यारे भाई अब क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी किताब है, नहीं ये कंजुल अमान मेरी किताब है, क्या ये मेरी किताब है, कंजुल इमान, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कंजुल इमान नहीं,
अरे भाई कंजुल ईमान नहीं, कंजुल हाँ ओमान, मैंने कंजुल उमान, किताब सॉरी का नाम तो कंजुल, सही आपने वही करो। रिपीट कर रहा। हाँ रुको, मैं आपको अब आपको शेयर करता हूँ ये, अब आप इसको देखे जरा, ये कौन सी किताब है मेरे भाई, ये ले मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये आपके स्कॉलर किताब है कि मेरी किताब है ये? अरे भाई कोई भी स्कॉलर लिखे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सनद देखनी है। भाई ये किताब किसकी है? उर्दू तर्जमा, कंजुल अमाल, फी ठीक है सुनन अल अकवाल अल मेरी बात अफआल। सुनो, अल तबरी, अल अरे तबरी की अरे भी किताबें हैं और भी किताबें, उसमें सब रुक फैब्रिकेशन जाए आकर भरा भाई, हुआ है। तो रुक जाए किताब भाई, डिसाइड रुक नहीं करेगी जाए। क्या सच है, किताब नहीं डिसाइड करेगी कोई से भी क्या सच है क्या नहीं। ठीक है, इस ये तरीके से यहाँ काम पे क्या नहीं लिखा करता हुआ है, भाई। ये यहाँ पे, अरे भाई ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्तनद कुतुब से रिवा हदीस के मुतालिक कलाम हवाला के साथ शामिल किताब है। किसके साथ शामिल किताब है ये? इसी के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा ये, कंजुल ओमाल, ये हाँ मुस्तनद जिसकी सनद सही हो, सनद सही ऑथेंटिक हो, मुस्तनद कुतुब से रावी हदीस से मुतालिक कलाम हवाला के साथ शामिल किताब है। आप कहते हैं किताब झूठी है, बात करता। मैं एक बात बताता हूँ, 1 मिनट कुरान की एक आयत लाता हूँ, रुक जाइए, होल्ड करिए, मैं ला रहा हूँ, 1 सेकंड, भेजा मुझे नहीं रहा अब हूँ, होल्ड आपसे करिए। कुछ भी, एक मिनट, मुझे आपसे अब कुछ भी तब चाहिए जब पहले आप इस्लाम छोड़ देंगे, नहीं तो आप एक नंबर के झूठे हैं। आपको 820 बात लोगों ने सुनो आपकी भाई, औकात देख अगर ली, कोई भी आपकी हदीस कुरान से औकात टकराएगी तो वो देख नहीं ली मानी जाएगी। ठीक है, कोई भी कुरान हदीस से, कुरान से कुरान टकराती है से। तो नहीं अरे मानी भाई जाएगी। कुरान में कहा लिखा, कुरान में कहा लिखा है मुर्दों के साथ सेक्स नहीं करना, मुझे दिखा दे, मैं दिखा रहा चलो हूँ, 1 सेकंड, होल्ड करो। मुर्दे के साथ सेक्स नहीं करना, ये दिखा दे। नहीं, ये नहीं लिखा है, अपने मेरे मुंह में वर्ड्स ना डालो भाई, अपने दोस्त, मैं तो फिर दिखा रहा क्या हूँ। दिखा रहे हो, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो उसकी वो उसको उसकी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बंद कर, चलो।